उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एंटी रोमियो स्क्वाड पूरी तरह से फेल है। इसके साथ ही योगी सरकार का लड़कियों की सुरक्षा का दावा भी पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शहर कोतवाली के संस्कृत पाठशाला मोहल्ले में एक लड़की ने कोतवाली पुलिस को एक सप्ताह पहले हुए अपने साथ हुई छेड़खानी और मारपीट की घटना की जानकारी दी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। तो आखिरकार पीड़ित लड़की थक हार कर आज अपर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई, तो पुलिस ने जांच और कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। पीड़ित लड़की ने बताया कि 6 तारीख की शाम को मोहल्ले का ही रहने वाला एक दबंग युवक उसके साथ उसके घर में घुसकर उसकी मां के सामने ही उससे छेड़खानी करने लगा। तो उसकी मां ने दबंग युवक का विरोध किया तो युवक ने मां और बेटी दोनों की पिटाई कर फरार हो गया और धमकी भी दी कि अगर इसकी जानकारी किसी को दी तो इनका अंजाम बुरा होगा। देखिए ये रिपोर्ट। क्या हुआ तुम्हारे साथ? छेड़खानी। क्या मामला बता पूरा? मामला यही है कि छेड़खानी किया था, उस पर हम लोग विरोध किए, विरोध करने के चलते पे वो लड़का हमको मार के भाग गया है। हम थे घर पे और मेरी माँ थी, हम दोनों को मार के भाग गया है। हम थाना पे और कोतवाली में यहाँ तक यहाँ पर भी अपील किए थे, कोई वहाँ हमारी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कितना दिन हो गया ये मामला है? 6 तारीख का। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी यही मिला है कि इस पे कार्रवाई शाम से शुरू हो जाएगी। क्या लगता है, प्रदेश में योगी की सरकार है और लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है, तो क्या लग रहा है कि सही है दावा की कुछ कमियां अभी बची हैं? जब सरकार कुछ करे, जब लड़कियों के लिए तो हम जाने, जब कुछ हो हमारे लिए तो हम जानेंगे, जब अभी कोई सुनवाई नहीं हो तो हम कैसे कह सकते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक लड़की ने शिकायत की है कि उसके साथ छेड़खानी और मारपीट की घटना हुई है, इसकी जांच कार्यवाही की जाएगी और जो भी मामले में पुलिसकर्मी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। के साथ मारपीट घटना हुई है, मुकदमा नहीं लिख रही पुलिस, आपके पास आई है फरियाद लेकर? हाँ, इसकी इसने अभी घटना हमें बताई है, इस पर तत्काल कार्रवाई करवा रहे हैं। सर पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टि आएगी तो कुछ कार्रवाई? तो अगर प्रथम दृष्टि कोई लापरवाही साबित होती तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।